आज विधायक अमित विज व मेयर पन्नालाल भाटी की तरफ से वार्ड नंबर 39 का दौरा किया गया। इस मौके पर वार्ड के निवासियों को आ रही पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, गलियों नालियों की समस्या से निजात दिलवाने के लिए उनकी तरफ से दौरा किया गया। वहीं मौके पर बताते हुए मेयर पन्नालाल भाटिया में विधायक ने बताया कि वार्ड नंबर 39 में आ रही समस्याओं का हल जल्द निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य पठानकोट के हर वार्ड में हर प्रकार की मुश्किल से निजात दिलवाना है। असि वार्ड नंबर 39 च राजा शर्मा जी दे एमसी साहब ने उन्होंने वार्ड च मैं ते मेयर साहब ते टीम नाल सारी जगह घूम रहे हैं जिथे काम हो रहा है। स्पेसीफिकली साडा मैं बड़ा पर्टिकुलर हाँ, मेयर साहब बड़े पर्टिकुलर है कि लोगों का जिहड़ा पानी है, सीवरेज है, तो जी सफाई ड्रेन है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यह लोगों की जिंदगी नाल उन्होंने जीवन नाल जुड़ी दी चीज़ा तो मिलन का यह बेनीफिट हो जाता। कई काम होंगे ने कि लोगों को समझने सानू मिलता है, कई कोई गली बनाने कहें, कोई गली उच्ची कराने कहें, कि यह भी पता चल जाता है कि असी एक गली का काम कराना तो नाल दी गली च भी प्रॉब्लम होंदी है। तो डिस्कशनस नाल एटलीस्ट लोगों के जेडे मतलब की चीज़ा उन्होंने जी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जमीन पर करा पाने। इस करके हर जगह जिथे काम होंदा असी तकरीबन मैं चला ही जाना अपने एमसी साहब के नाल। तो मैं रजत जी का थैंक्स करना कि सारा दिन लोगों से लगे रहते हैं, इस तरह ही काम करते रहन ताकि लोगों को असी रिलीफ दवा सकीए। बाकी इस इलाके वैसे भी काम काफ़ी हो रहा, पुल वगैरह बन रहे हैं, तो मैं लग रहा कि जिस तरीके मेयर साहब भी लगे दे ने पूरे शहर की गंदगी कढ़न वास्ते या सड़क या पानी का काम करन वास्ते, तो ढाकी का एक बार जो पुल भी बन जाएगा तो यह इलाका एक नवा पठानकोट बन के जरूर बाहर आएगा। सिर्फ असी इस चीज़ को देखने से 6-7 महीने ही दूर है। वार्ड नंबर 39 दे विच आए हैं, उत्थों के कौंसलर साडे रजत शर्मा जी ने, मेरे नाल माननीय साडे MLA अमित विज जी भी नाल ने। इत्थे कुछ गलियां दे विच गंदे पानी की समस्या सी, जिथे असी पाइपलाइन नवी पवा रहे हैं वो देखने वास्ते असी अज मौके ते आए हैं। और इतों के लोगों को इस गल का असी भरोसा दिलाने कि असी अपने समय के जिहड़ियां भी उन्हां दियां छोटी तो छोटी समस्या वो भी दूर करांगे। और सीवरेज गंदा पानी ये किते भी असी लोगों को समस्यावां आन नहीं देंगे, और नाल दी नाल इन्हां दियां गलियां भी जिहड़ियां असी नाल दी नाल बनवा के देवांगे। और होर भी कोई इस इलाके की समस्या होंगी उन्होंने भी असी पूरा ध्यान नाल पूरा करांगे। और मैं अपने कौंसलर अपने रजत शर्मा जी ने इस गल का पूरा भरोसा दिलाना। सब तो पहला तो मैं पठानकोट के विधायक श्री अमित विज जी का, मेरे वड्डे भाई साहब साढ़े पठानकोट के मेयर श्री पन्नालाल भाटिया जी का, और उन्होंने नाल आए म्यूनसिपल कारपोरेशन के सारे स्टाफ अफसर साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने अपना कीमती समा कढ के वार्ड नंबर 39 के विच आए है। बहुत बहुत धन्यवाद। अज मैनू बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है कि लगातार 15-20 साल तो हमेशा ही ढाकी रोड की अनदेखी हुई सी, लेकिन साडे पठानकोट के विधायक अमित जी ने इस चीज़ को समझते हुए बहुत सारा बजट पंजाब सरकार को लिया के साडे ढाकी रोड की नुहार बदली है। तुसी देख सकते हो कि ढाकी रोड का जिहड़ा फ्लाईओवर का निर्माण है वो 24 घंटे दिन रात चल रहा है। सड़क इन्नी अच्छी अत्याधुनिक तरीके सड़क तैयार की जा रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और भी बहुत कुछ दिखने आया कि कई जगह पूरे पठानकोट च पानी खड़ा होता ही। मैं ए तो नहीं कह सकता कि आप 100% सॉल्व कर लिया, लेकिन तुसी खुद समझ सकते हो और देख सकते हो कि 70% आपां वो कम कंप्लीट कर चुके हैं। सानू एक चांस होर दो और आप जो 30% रह गया कि जगह जगह जो पानी खड़ा होता है, साडा टारगेट सब तो पहला टारगेट इसी चीज़ का है कि आप शहर च पानी नहीं खड़े हो देना। साढ़े को एक पूरी टीम है, साढ़े MCAं की, साढ़े कारपोरेशन के ऑफिसर्स की, मेरे दोस्त MLA अमित विज जी दी और पन्ने भाजी दी, जेडे हमेशा ही यह चीज़ अपने दिमाग च टारगेट च रखते हैं कि अपने शहर च आपां गंदगी नू खत्म करना है और जेड़ा जगह जगह पानी खड़ा हुंदा है उन्नू भी खत्म करना है। और मैं तुहानू यकीन दवाना है कि कुछ समय बाद तुसी दिखोगे कि पठानकोट शहर च 100% पानी भी किथे नहीं खड़ा। तुहानू वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।